नमस्ते, मैं हूँ आलोक। नमस्ते, मैं हूँ प्रिया। और आप देख रहे हैं नमस्ते भारत राय। अभी हम लोग निकले थे कनखल में ऐसे घूमने राउंड मारने के लिए, तो एक मंदिर दिखा जो काफ़ी अट्रैक्टिव मंदिर है, जो यंत्र के डिजाइन का है पूरा। श्री यंत्र होता है, इसका नाम भी श्री यंत्र मंदिर है। श्री यंत्र मंदिर है, माँ काली की प्रतिमा है अंदर, और काफ़ी खूबसूरत एक्चुअली आश्रम है, बाबा का आश्रम है। कोई दिख नहीं रहा आश्रम है इसलिए, लेकिन यहाँ पे काफी लोग आते हैं अभी, शायद कोई मे भी कोरोना की वजह से नहीं आ रहा हूँ। वाह, क्या खूबसूरत मंदिर है। जय माँ काली। अभी आ नहीं रहे ज्यादा लोग ना, नहीं ज्यादा आवाज़ की कमी आ रही है, थोड़ी देर से पहले ज्यादा आते थे, थोड़े बहुत तो आ रहे हैं। तो क्या है मतलब आश्रम क्या? निर्वाणी अखाड़े है ना, बारह अखाड़े, उसके एक अखाड़ा है माँ निर्वाणी अखाड़ा, उसके अंडर में आता है। अच्छा। और इसके संस्थापक है श्री विश्वकानंद महाराज जी, जो पूरे मतलब उनके देहांत हो गया 2013 में, उसके बाद दूसरे महाराज जी चला रहे विश्वदेवा महाराज। महाराज अभी नहीं है यहाँ जी? वो बीकानेर में रहते हैं, राजस्थान में। अच्छा, वहीं से संचालन होता है। ट्रस्ट के अंडर भी आता है, ट्रस्टी भी है यहाँ। यहाँ पे कुछ होता भी है योगा वगैरह? योगा वगैरह तो नहीं होता, आयुर्वेदिक चिकित्सा। आश्रम में यात्रियों के लिए बनाया गया, बाकी विद्यार्थी रहते हैं लड़के ना, बच्चे पढ़ने वाले। अच्छा, बच्चे पढ़ने। अभी स्टूडेंट है क्या? अच्छा, तो आप लोग को रेंट वगैरह या क्या? फ्री फ्री में। आप यहाँ कॉलेज में पढ़ते हैं क्या? यहाँ कॉलेज तो बाहर है, यहाँ जैसे हॉस्टल का होता है ना, वैसे आश्रम गुरुकुल की तरह है। अच्छा, ये गुरुकुल है देखा जाए। अगर कोई यहाँ पे रहना चाहे पढ़ाई करने के लिए तो यहाँ रह सकता है। उसके लिए प्रोसेस क्या है? उसके लिए प्रोसेस है, आपको पहले या तो मैनेजर जी से बात करनी पड़ेगी या तो कल महाराज जी से बात करनी पड़ेगी। अच्छा, उनकी जैसी आज्ञा होगी उस हिसाब से आपको आना, जैसे बोलेंगे उस हिसाब से आप आ जाइएगा। आप लोगों को पैसा कितना देना होता है महीने का? कुछ नहीं, पैसे नहीं है। खाना भी फ्री है, रहना खाना तो? बाकी थोड़ा मंदिर की सेवा होती है बस। ओके, मंदिर की सेवा होती है, आश्रम का थोड़ा देखभाल करनी पड़ती है, बाकी भोजन वगैरह सब यही मिलता है। अपना स्टडी करो बाहर, पढ़ाई करो। स्टडी 3-4 साल से रह रहे सब बच्चे, 3-4 साल से रह रहे हैं। अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। धन्यवाद। कैसा ट्रस्ट है, अगर कोई बच्चा यहाँ पढ़ना चाहे आके तो फ्री में रहने की सुविधा है, कॉलेज बाहर कर सकता है, यहाँ रह सकता है, रहना खाना दोनों फ्री। अच्छा, मतलब हॉस्टल टाइप है लेकिन फ्री है? फ्री, गुरुकुल टाइप। ओके, अच्छा है ना, मतलब बाहर पढ़ सकते हैं कहीं और बच्चे, लेकिन रह यहाँ सकते हैं। हाँ, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है जगह। अगर आपको रहना है हरिद्वार में स्टडी के लिए तो आप यहाँ आके रह सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सही है ना? अच्छा है। ये बाबा का ट्रस्ट है, बहुत पूर्ण मंदिर भी सुकल्या। ये देखिए संपर्क, यहाँ नंबर भी दिया हुआ है, यहाँ नंबर पे कॉल करके आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं यहाँ पे।